बस थोड़ा और मेरा सुपर बर्गर तैयार हो जाएगा। मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। पैक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना बना रही हो? मेरा कहना है कि तुम्हारे बर्गर को अधिक हेल्दी बनाया जाए और इसमें थोड़ी ब्रोकली मिलाए। इसे मीठा बनाना बेहतर है और इसमें अलग अलग चॉकलेट और गमी डाले। यह वास्तव में स्वादिष्ट होगा। कुछ अच्छी चीज डालना बेहतर होगा, जैसे कि झींगा, किसी सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की तरह। बस करो, यदि आप खाना बनाना चाहते हैं तो चुनौती में आपका स्वागत है। ओह, हम कहाँ हैं? जाहिर है हम वास्तव में यहाँ कुछ पकाने जा रहे हैं। तो मैं एक साधारण डिश से शुरू करने का सुझाव देती हूँ। मेरे लिए स्वादिष्ट पास्ता बनाओ। यह एकदम आसान है। इसके लिए हमें सबसे साधारण नूडल्स की जरूरत होगी। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं पकाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यह कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस छोटे से फ्राइंग पैन में सभी नूडल्स कैसे डालूं? हाँ, यह एक कठिन मामला है। देखो और सीखो। तुम्हें बस नूडल्स को तोड़ने की जरूरत है, फिर वे निश्चित रूप से किसी भी पैन में फिट होंगे। अब उन्हें अच्छे से उबालने और हिलाने की जरूरत है। ओह, यह जैसे मैंने सोचा था उससे भी आसान है। अरे नहीं, मेरी नूडल्स जल गई। ओह, यह बेकार लग रहा था। ओह, माफ करना। क्या उसने बर्तन फेंक दिया? हाँ, मुझे पता है कि कौन निश्चित रूप से हारेगा और मुझे पता है कि कौन जीतेगा। वह मैं हूँ। इस छोटे सॉस पैन के बजाय मैं एक बड़े फ्राइंग पैन का इस्तेमाल करती हूँ, जिस पर मैं पहले ताजा टमाटर भूनूंगी। हाँ, और अब हम इसमें थोड़ा नूडल्स डाल सकते हैं। हाँ, इस तरह असली पास्ता तैयार किया जाता है। ओह बकवास, तुम पानी निकालना भूल गई। यहाँ देखो यह कैसे किया जाता है। देखो, ओह मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। मुझे अपने चश्मे को पोंछने के लिए कुछ चाहिए। बेटी, मुझे आशा है कि तुम बुरा नहीं मानोगी। मेरी शेफ ड्रेस उस काम के लिए नहीं है। मैं इसमें सबसे स्वादिष्ट डिशेस बनाती हूँ। मुझे इसके लिए किसी सूट की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी स्वादिष्ट पास्ता के साथ अपनी पोती को खुश करूंगी इस तरह से। और मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, यह ठीक रहेगा, एक पुरानी नूडल्स रेसिपी का उपयोग क्यों ना करें। मुझे बस कच्चे नूडल्स के 2 क्यूब्स लेने और उन्हें केतली में उबालने की जरूरत है। यह तेज, आसान और बहुत स्वादिष्ट होगा। एकदम ओरिजिनल तरीका। और मैं नूडल्स में कुछ ग्रेट किया हुआ चीज डालना जा रही हूँ, तो मेरा डिश भी स्वादिष्ट हो जाएगा। ओह, कितना बेकार। यह सब सुंदरता की भावना के साथ किया जाना चाहिए और थोड़ा सॉसेज भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इसे सभी पसंद करते हैं। बस इस खुशबू को महसूस करो। मैं खुद इस पास्ता को खाना चाहूंगी। मुझे लगता है कि मेरा पास्ता भी तैयार है, बस थोड़ा केचप डालने का समय है। हाँ, फेज, अब समय है इसे चक्कर देखने का। हाँ, आखिरकार यहाँ सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। केवल केतली में नूडल्स मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। शायद मैं उसके साथ चखना शुरू करूंगी। ठीक है, मैं खा कर देखती हूँ। क्या गड़बड़ है। अब मैं अपने फेवरेट सॉसेस के साथ पास्ता को ट्राई करूंगी। ओह, ये बिल्कुल अलग मामला है। बहुत स्वादिष्ट। जीत के लिए अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। हाँ, यह चीज के साथ नूडल्स, इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं हो सकता है। यह बहुत अच्छा है। दादी, तुम जीत गई। हाँ, मुझे पता था कि मैं जीतने वाली हूँ। मुझसे सीखो। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इस तरह की एक कुकी बनाएं। हाँ, और यह कैसे किया जाता है? बहुत आसान। शायद मैं इसे बहुत आसानी से जीत जाऊंगी। हाँ, लो कर लो बात, दादी भी खेल में है। ओह, मुझे अपनी बूढ़ी पुरानी गर्दन को इस तरह नहीं स्ट्रेच करना चाहिए था। सबसे पहले मुझे आटे को छानना होगा और बेशक
जरूरी मसाले भी डालने होंगे। और दालचीनी के बिना कैसी कुकी। बस इस तरह से। आपका क्या ख्याल है दादी माँ? और चीनी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चीनी के बिना किस तरह की कुकीज बनाई जाती है? बस थोड़ा सा मिलाना है इस तरह से। ओह, मुझे लगता है कि मैं भी आटा संभाल सकता हूँ। ओह या नहीं, खैर अब मेरा पूरा चेहरा इसमें पोता हुआ है। उफ, क्या मुसीबत है। हाँ, और वास्तव में बहुत खराब। और मैं चीनी नहीं भूली हूँ, इसे बस पिघले हुए मक्खन में मिलाना है और बेशक अच्छी तरह मिलाना है। बस इस तरह से। अब इस तैयार मिश्रण को आटे में मिलाया जाना चाहिए। उसके बाद इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। मैं अभी बटर के बारे में भूली नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से मस लूंगी, क्योंकि कुकीज को प्यार से पकाया जाना चाहिए। बेशक हमें सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ये बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होगा। इस बटर के साथ आखिर मैं काम कैसे करूं? ओह, ये बहुत स्लिपरी है। ओह, ये बस मेरे हाथों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे एक हाथ इसे मिलाने के लिए काफी है। मेरा डो लगभग तैयार है। अब इसे केवल एक फ्लैट पैनकेक में बदलना ही बाकी रह गया है। और साथ ही साथ पैनकेक को मापना भी बहुत जरूरी है, ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि मैं कितने कुकीज बना सकती हूँ। और मैं इसके लिए नए डिजाइन के सांचे का उपयोग करती हूँ, ताकि कुकीज बहुत सुंदर तैयार होगी। बस इस तरह से। जरा इसको देखो, है ना अच्छे कमाल के। वाह, ओह, आप लोगों का लगभग सब कुछ तैयार है। मैं दूसरों के साथ कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? शायद ये मेरे लिए डो से कुकीज बनाने का समय है। मैं निश्चित रूप से इसको संभाल सकता हूँ। बिल्कुल सही। बस इस तरह से मैं एक जिंजर ब्रेड मैन को तैयार करूंगा। थोड़ा इधर से पैर निकालता हूँ और फिर यहाँ। हाँ, ये ठीक है। ओह, ये क्या आटा। यह कितना बेस्वाद है। मेरा लिटिल मैन तैयार है और उसका घर भी तैयार है। अब कुकीज को ओवन में रखने का समय है। तो कैसा रहेगा जब ये तैयार होकर निकलेगा? ये कब तैयार होंगे? बहुत जल्दी। थोड़ा इंतजार करो। तड़ाम। शरा देखो, मैंने कितना प्यारा तैयार किया है। पर मेरा सबसे अच्छा है। अगर मैं इसे रात में देख लूं तो मैं सो नहीं पाऊंगी। यह मेरे ब्रेडमैन के लिए घर बनाने का समय है। मैंने इस घर के सभी डिटेल कुकीज के साथ बनाए, ताकि इसे बाद में खाया जा सके। इतने सारे कैंडीज और इतना मीठा। वाह, देखो असली घर की तरह लग रहा है। जरा इस घर पर एक नजर डालो। इसे देखकर मुझे नया साल का माहौल मिलता है। और मुझे ये तब मिलता है जब मैं रंगीन कुकीज देखती हूँ। ये बहुत प्यारा है। ओह ठीक है, आँखों के लिए कैंडी की जरूरत है और मैंने पहले ही लगभग पूरा पैक खा लिया है। वाह, शेफ बेटी ने सब कितना अच्छा किया है। हाँ, पर मैं क्या करूँ? तुम सही हो, उसे एक असली नए साल का स्वर्ग मिला है। हाँ, चलो देखने का समय है। वाह, एक जिंजर ब्रेड हाउस है। कितना बढ़िया, और बहुत सारे कुकीज, बस जिस तरह का मैं सपना देख रही थी। हाँ, ये किस तरह का मॉन्स्टर है? मुझे उम्मीद है कम से कम स्वादिष्ट होगा। ये कितना सूखा है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मुझे यह कुकीज पसंद नहीं है, पर ये बीच वाली कुकीज अच्छा है। इसके अलावा वे वास्तव में बहुत स्वादिष्ट हैं। खैर, अब जिंजर ब्रेड हाउस को चखना शुरू करने का समय है। शायद मैं उसके दरवाजे से शुरू करूंगी। हाँ, है ना? चलो चख कर देखती हूँ। वाह, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं इस पूरे घर को खा जाना चाहती हूँ, और बेशक इसके सभी निवासियों को भी।
बहुत अच्छा, ये कभी मेरे लिए ज्यादा नहीं होगा। मैं इसे पूरा खा लेना चाहती हूँ। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है, बहुत ही बढ़िया। बेटी, इस बार तुम जीतने वाली हो। हाँ हाँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं था। बेशक ये पहले सेकंड से स्पष्ट था। मेरा मन मीठे से भर गया है, अब मुझे एक कॉर्न डॉग चाहिए। मेरे लिए यह करना आसान होगा, कम से कम मैं सॉसेज बनाना जानता हूँ। हाँ, इस तरह के। मैं सबसे हाई क्वालिटी सॉसेज का उपयोग करूंगी, जो मुझे पता है। ऐसे सॉसेज यह बेकार है, पर इस सॉसेज की बात ही अलग है। यह वास्तव में स्वादिष्ट होने वाला है। यहाँ बनाने के लिए कुछ नहीं है, हमें बस सॉसेज को एक स्टिक पर रखना होगा और इसे तेल में फ्राई करना होगा। समस्या वहाँ से आई जहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं सॉसेज का पैकेट कैसे खोलूं? मैं इसे खोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। उफ़, एक छोटा बच्चा भी इसे खोल सकता है, ये बहुत आसानी से हो जाता है। देखो, मुझे नहीं पता था कि वहाँ एक विशेष जगह होती है। ओह, खाना बनाना निश्चित रूप से मेरे वश की बात नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं जल्दी से बैटर बनाऊंगी और सॉसेज के पास मेज पर गिरने का समय भी नहीं होगा। मुझे उसकी रेसिपी अच्छे से याद है। पहले मैदा लिया, फिर उसमें अंडा तोड़कर डालना है, फिर दूध, फिर सबको अच्छे से मिला लेना है। बस बैटर तैयार, और इसे स्क्वायर पे डालना है, बस इस तरह से। अब सारे सॉसेज को अच्छे से बैटर में लपेटना है, फिर उन्हें खौलते तेल में डाल देना है। ओह, मैं भी सॉसेज के साथ ऐसा ही करूंगी, यह वास्तव में बहुत आसान है। हाँ, अब थोड़ा इंतजार करना है बस। मुझे अपने सॉसेज को फर्श से उठाने की जरूरत है। हाँ, कितना दर्द हो रहा है। ओह, माउस ट्रैप कहाँ से यहाँ आ गया? यहाँ कभी चूहे नहीं होते हैं। पर ये तो चीज है। बिल्कुल सही, कॉर्न डॉग में थोड़े चीज क्यों नहीं जोड़े, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब इसे अच्छे से बैटर में लगाते हैं और अब इसे तेल में डुबो सकते हैं। ये बौछार। हाँ, यह सभी तरफ उड़ रहा है। ओह ओह, डरपोक, ये सिर्फ बटर है, इस पे क्या गलत है। कॉर्न डॉग तैयार है, अब केवल उन्हें सुंदरता के साथ सर्व किया जाना रह गया है। उदाहरण के लिए इसे प्यारा भालू का रूप क्यों न दिया जाए, बस इस तरह से। देखो, हाँ, हमें सॉसेस के बारे में भी नहीं भूलना है। हाँ, इसे अच्छे से थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं, इस तरह से आंखें। हाँ हाँ, अब ये सुंदर लग रहा है। बेशक हमें सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और मस्टर्ड, ये उनके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। वाह, मेरी पोती को यह कॉर्न डॉग जरूर पसंद आएगा। और मेरे पास एक चीजी सरप्राइज है जो उसके लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन थोड़ा केचप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, इस तरह से। पेज, ये चखने का समय है। सभी कॉर्न डॉग कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, लेकिन मैं इस हल्क के साथ शुरू करूंगी। ओह, मैं इसे ठीक से उठा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ नीचे से ही खा लेती हूँ। अब है दूसरे को ट्राई करने का समय। इन प्यारे भालुओं को ट्राई करती हूँ। मुझे लगता है कि सॉस उन्हें विशेष रूप से स्वादिष्ट बना देगा। अविश्वसनीय, स्वादिष्ट और सुंदर दोनों। जीत का अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। वाह, यह चीज है, यह वास्तव में एक अच्छा सरप्राइज है। शायद यह आज का सबसे अच्छा कॉर्न डॉग है। ओह हाँ, मुझे पता था, कम से कम मैं इस बार जीत सकता हूँ। स्वादिष्ट, हाँ ये बहुत स्वादिष्ट है। मल्टीडो को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मजेदार, फनी और उपयोगी चुनौतियों को मिस ना करें। कमेंट्स में लिखें कि आज की कौन सी ट्रीट आप खाना चाहेंगे।